गाइस हमारा अब शाहजहांपुर से आगे का सफ़र तय होता है और हमारी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हमारा आगे का सफ़र, और हमारे ब्लॉग्स में ऐसे ही बने रहिए और हमें प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो हम इस वक्त शाहजहांपुर से आगे निकल गए हैं और वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए रास्ते में हमारे साथ क्या क्या होता है और हमारा सफ़र कैसा करता है। तो हम इस वक्त ट्रक में बैठे हैं और गाने वगैरह भी सुन रहे हैं, शायद आपको आवाज़ सुनाई ना दे रही हो तो उसके लिए सॉरी। तो हम देखिए अब यहाँ पर शाहजहांपुर से आगे मार्केट में पहुँच गए हैं जो कि मेरे ख्याल से बाराबंकी के शायद आसपास है। तो चलिए हम आपको अपनी वीडियो में दिखाते हैं। और ये ड्राइवर साहब है जो इस टाइम गड्डी चला रहे हैं, जो चेंज हो गया ड्राइवर। तो अब देखते रहिए हमारी वीडियो में, जो हम गड्ढे वगैरह लग रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा वीडियो हमारा हिल रहा है। तो देख सकते हैं हमारी वीडियो में, अब इस वक्त हम मार्केट में, ये जो यूपी की बस जा रही है और इस वक्त हम इटवंजा टोल के पास पहुंच चुके हैं और देखते रहिए हमारी वीडियो में। और इटवंजा टोल पार करते ही तो आगे कौन सा आएगा इस बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन में अभी पहली बार ट्रक लेके जा रहा हूँ, तो मैं ड्राइवर नहीं हूँ सॉरी। तो मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा कि हम क्या लेके जा रहे हैं अपनी वीडियो में, और वीडियो में सॉरी ट्रक में क्या लेके जा रहे हैं, तो अपनी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा जब वहाँ पर पहुँच जाऊँगा अपने गांव में। तो चलिए हम अपना सफ़र आपको दिखाते हैं रास्ते में, हमारी वीडियो में बने रहिए और आगे का सफ़र कैसा कटेगा वो भी हम अपनी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारी वीडियो में, देखते रहिए। तो जैसा भी अगर हमारी वीडियो में आपको इस वक्त लग रहा होगा कि कैसा हम ब्लॉग सुनाते हैं, तो जरूर कमेंट करके जरूर बताया करिए कि हमारा ब्लॉग्स आपको कैसा लगा कैसा नहीं। तो हमें इससे ये होता है कि हमें और अच्छा लगता है कि हम लोग हमें जान रहे हैं देख रहे हैं। तो देखिए भाई खड़ा है और यहाँ सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरे से जो फास्टैग होता है तुरंत उसका जो टूल टैक्स होता है वो कट जाता है। तो अब आप टूल टैक्स हम पार कर चुके हैं, अब में लिखा होता है, अब जहाँ पर टूल टैक्स है वहाँ पर लिखा है नो कैश, अब कैश नहीं देना होता है, सीधा फास्टैग लगा हुआ खाते से सीधा पैसे कट जाते हैं। अब अंधेरे का समय हो चुका है और जैसे अंधेरा पड़ने वाला है धीरे धीरे अब दिख रहे हैं, तो हम अब सोच रहे हैं कि डिनर वगैरह कर लें। तो रात का टाइम हो चुका है, तो चलिए हम थोड़ी ही देर में कहीं रुक कर डिनर करेंगे ढाबे पर, तो हम सोच रहे हैं। तो अभी ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि थोड़ा हम गाड़ी चला लेते हैं, तो गाड़ी इस वक्त चला रहे हैं और देखते हैं कि इस टाइम रात के हम लगभग 9 बजे यहाँ पर दी होल हंट रेस्टोरेंट ढाबा पर रुके हैं चाय पीने के लिए, और ये ड्राइवर साहब है। तो देखते रहिए हमारी वीडियो में और बने रहिए ऐसे ही, चलिए हम चाय पीते हैं। देख सकते हैं किस तरह ये हंट बनाया हुआ है और झोपड़ी थी जो कि अब हम बैठ के चाय पियेंगे। तो वीडियो में यही है और ऐसी हमारी वीडियो देखते रहिए। और ये हमारा जो ट्रक है इस टाइम यहाँ पर खड़ा है, इसको हम खड़े कर अब चाय पीने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए आगे से हम आपको दिखा देते हैं, तो ये रेस्टोरेंट है जो ढाबा है दी रॉयल हंट रेस्टोरेंट ढाबा, तो यहाँ पर हम चाय पियेंगे, थोड़ी देर में वो चाय लेके आने वाला होगा, तो वीडियो में बने रहिए ऐसी। तो देखो भाई हमारी चाय आ गई है, अब चलते हैं हम पियेंगे चाय और हमारे ब्लॉग में बने रहिए ऐसे ही। तो अब चाय आ गई, हम लगते हैं चाय पीने और फिर चलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। तो देख सकते हैं कि हम अपने गांव पहुंच गए हैं, तो नंदगंज से हम यहाँ रिटर्न करके और यहाँ वापस अपने गांव में आ गए हैं। अभी देखते रहिएगा हम डंडापुर गांव में पहुंचने वाले हैं, हम आपको अपना गांव दिखाएंगे। और ये दोनों भाई ड्राइवर और वो भाई हाय कर रहा है और ये भाई अभी सो के उठा है। तो बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे कि हमारा गांव कैसा है, और हमारी वीडियो बने रहिए और हमारे ब्लॉग ऐसे ही देखते रहिएगा। इस वक्त आप देख सकते हो कि हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं, जो हमारा गांव है डंडापुर। तो हम इस वक्त आप देख सकते हो कि अपने गांव में पहुंचे हैं और पीछे यहां जीरी कट रही है इस वक्त, और मैं आपको लिए चलता हूं अपने गांव के गेट पर। तो मैं चलिए आपको अपनी वीडियो में दिखाता हूं अपने गांव के गेट पर। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं अपने गाँव के गेट पर खड़ा हूँ पूर्व प्रधान साधो यादव के समिति में प्रवेश द्वार स्थापित वर्ष 2018, जो कि गांव ये डंडापुर है।
और श्रीमती तेतरी देवी और श्री वीरेंद्र यादव तो के द्वारा स्थापित किया गया है। और हम अपनी वीडियो में आपको दिखाते हैं। और ये देखिए जो हम ट्रक लेकर आए हैं, इस वक्त यहाँ पर हम डंडापुर के गेट पर खड़े हैं। और यह है यहाँ का रोड है, जो कि रोड भी ठीक बन चुका है और यहाँ की ये छोटी सी पुलिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जीरी काट के मतलब कि लिटा दी गई है और इसको अब यह झाड़ेंगे। तो हमारी वीडियो में बने रहिए और हमारा सुबह का ब्लॉग है तो आप देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए ऐसे ही। चलिए हम आपको अपना सुबह का ब्लॉग आगे भी दिखाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।